हे एवरीवन, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ स्नेहा ठाकुर और आज के न्यू ब्लॉग में है आप सभी का बहुत स्वागत। सो एवरीवन, फिलहाल मैं हूँ अपने माइक के। तो चलिए, अभी मैं आपको, वैसे तो आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया है मेरा माइकी का घर, तो चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ एंड बाहर से मैं दिखाऊंगी पहले तो अपना घर एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मॉम एंड डैड ने होम गार्डनिंग की हुई है घर में। पुराने पड़े जो भी सामान है जिनका कुछ यूज़ नहीं है, प्रॉपर यूज़ नहीं है जिनका, उनका यूज़ करके कैसे बिल्कुल खूबसूरत बनाया है अपने बरामदे को। तो चलिए फटाफट चलते हैं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए एंड देखते हैं होम गार्डनिंग किस तरह से हम बेस्ट चीज़ों को यूज़ करके हम होम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ एवरीवन। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऐसे ही मुझे अपना प्यार दीजिएगा जैसे आप सभी देते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो एवरीवन, ये है मेरा घर एंड मेरा जो गाँव है उसका नेम है डुगी लक लकवेली एंड ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव। तो आप देख सकते हैं मेरी जो मॉम डैड हैं उन्होंने ना क्रेट्स का यूज़ किया हुआ है एंड एवरी वैरायटी ऑफ वेजीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इवन आपको धनिया भी आपको देखने को मिलेगी मसाले में। यहाँ ये देखिए भिंडी ना छोटी छोटी लगी हुई है, ये प्यारी प्यारी सी भिंडी लगी हुई है। और ये सारी क्रेट ना डैमेज्ड है, तो डैमेज्ड क्रेट का कोई काम तो था नहीं प्रॉपर काम ना। तो फिर पापा मम्मी ने सोचा कि चलो ये क्रेट्स पुरानी हो गई है, ऊपर से डैमेज है, तो इसमें हम प्लांट क्यों ना उगाएं, क्यों ना हम होम गार्डनिंग करें। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्रेट्स थे उन सभी में कुछ ना कुछ उगाया हुआ है एंड बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें उगी हुई हैं। एंड यहाँ देखिए ये जो पेड़ है ना, इसे ना गाय वगैरह हमारे खेत में घुस गए थे, जो पशु होते हैं ना दूसरे गांव की, जो गाय वगैरह होती है दूसरे गांव वाले आते हैं चराने, फिर कई बार होता है खेत को चले जाते हैं वो ना, तो ये पेड़ टूट गया था। फिर पापा इसे घर ले आए एंड फिर जगह नहीं थी घर में बिल्कुल भी, तो फिर उन्होंने ना सीमेंट खुदवाया, सीमेंट में सॉरी खुदाई की एंड फिर इस पेड़ को सीमेंट के बीच में लगा दिया। एंड तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो जापानी का पेड़ है ना, इस अच्छे से ग्रो किया इसने, बहुत अच्छे से ये उगा हुआ है एंड बहुत अच्छा फील लगता है जब सीमेंट के बीचों बीच देखते हैं पेड़ उगा हुआ है। एंड यहाँ पे तो खैर खुद की मिट्टी में ही हमने पेड़ उगाया है। एंड आपने पीछे देखी भी होगी प्यारी सी सब्जी लगी हुई है एंड पतीले वगैरह आपने देखे होंगे पीछे, वो इसलिए बिकॉज उनमें हमने अभी करेले के बीज डाले हुए हैं ना, तभी उनमें आपको कुछ भी पौधा नहीं दिखा होगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए स्कैश के फूल कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं ना। एंड ऊपर जो हमारा ये टॉयलेट बाथरूम है ना, इसके ऊपर वाली जो छत का एरिया ना, वहाँ पर भी हमने 3 क्रेट्स रखी हुई है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पत्ता दिख रहा होगा ना, वहाँ पर भी हमने स्कैश लगाई हुई है। एंड आप देख सकते हो बहुत 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 इजी वे में हम होम गार्डनिंग कर सकते हैं। सो बाय बाय।